दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम मक्के का हलवा कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताते हैं। और मक्के का हलवा बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। तो ये मैंने 1 से 1.5 कटोरी मक्का ली है। मक्का को हल्का सेकेंगे। ये मैंने कढ़ाई ली है, गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, जो मैंने मक्का ली थी इसकी सिकाई करेंगे। इसमें घी नहीं डालेंगे, धीमी गैस पे सिकाई करेंगे। ये मक्का बिल्कुल सिकना स्टार्ट हो चुकी है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसको थोड़ी देर के लिए और सेकेंगे। ये हमारी मक्का सिक चुकी है, गैस बंद करेंगे, इसको ठंडा करेंगे और मिक्सी में पीसेंगे। ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको पीसते हैं मिक्सी इसमें जार में डाल के। ये हमारा मक्के का हलवे के लिए आटा पीस चुका है। अब फिर से कढ़ाई लेते हैं, गैस ऑन करेंगे, इसमें 1/2 लीटर पानी डालेंगे, गुनगुना करेंगे पानी को हलवे के लिए। पानी हमारा गुनगुना हो चुका है, गैस बंद करेंगे, इसको नीचे उतारेंगे। ये जो मक्के का हलवे का आटा है ये डाल के मिक्स करेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, एक भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, बिल्कुल भी गांठ नहीं है। फिर से कढ़ाई गैस ऑन करेंगे। ये मैंने 1 कटोरी मलाई ली है, इसमें मलाई डालते हैं। मलाई इसलिए डालेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है खोआ जैसे टेस्ट लगे हलवे का। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें शक्कर डालेंगे, जितनी मैंने मक्का ली थी उतनी ही शक्कर डालते हैं। शक्कर डाल के मिक्स करेंगे। शक्कर हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। शक्कर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है, 1 मिनट के लिए और करेंगे। और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए, जो सबसे पहले नए वीडियोस होती हैं वो आप तक पहुँचेंगे देखने के लिए। और इस हलवे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब इसमें घी डालेंगे। ये मैंने 1/2 कटोरी घी ली है, घी डालते हैं। घी डाल के मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छा आया है और इसमें ज़्यादा घी नहीं डलता है। अब गैस बंद करेंगे और ये जो मैंने काजू लिए थे काजू भी डालेंगे। काजू डाल के मिक्स करेंगे। अब इसको सर्व करते हैं। तो हमारे मक्के का हलवा बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। और ये बहुत ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, तो प्लीज़ एक बार घर में ज़रूर इसको ट्राई करें इस हलवे को बना के। और बच्चों को सभी को बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कम टाइम में बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है बनाने में। तो हमारा सिंपल तरीके से मक्के का हलवा बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके बताएँ। थैंक यू दोस्तों।